भाई मेरा कल का व्लॉग नहीं आ पाया था क्योंकि मैं कल गया था शादी में यार, इसी वजह से नहीं आ पाया था। और शादी किसकी थी? मेरी बुआ की जेठानी की बिटिया की शादी थी, मतलब दीदी थी, उनसे थोड़ा फ्रेंड समझ रहे हो, समझ रहे हो। ली था मैं, इसी वजह से जाना पड़ा। मैं सोच रहा था यार वहाँ का भी व्लॉग बनाऊंगा, लेकिन वहाँ पे एनिमल का सीन आ गया यार। एनिमल का सीन मतलब डिसुम डिसुम, मतलब थोड़ी सी गलती के पीछे मार दंगा हो गया, तो इसी वजह से मैंने बनाया नहीं वहाँ पे। अगर मैं व्लॉग बनाता तो भाई तुम्हारा सूद दिया जाता बीच में ही, मेरा भी सीन बन जाता इसी वजह से। दूसरी चीज, आपको मेरी आंखों में नींद दिखाई दे रही होगी, बहुत तेज नींद लगी है भाई, सारी रात सो नहीं पाया। एक ही नो 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 तखत, उसमें तीन लोग, वो उधर से साला रजिया खींचता है, वो उधर से, सारी रात सालों ने सोने नहीं दिया इसी वजह से। अगर हाँ किसी की शादी में जाना, रात अगर रुकना हो तो भाई, अगर लेटने की व्यवस्था ठीक हो ठंडी में खासकर, तो रुकना, वरना रुकियो मत, वरना ऐसे ही मेरी तरह हाल हो जाएंगे, ठीक है। और दूसरी चीज जो आपको बहुत इंपॉर्टेंट बात बताने वाला हूँ, वो ये है कि मेरा जो यूट्यूब चैनल मैंने बताया था ना आप लोगों से, आज उसका मैं बैनर लोगो सब सेट कर दूंगा, शायद मैं कल से उस पर वीडियो डालने लगूंगा। सीखना है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर देना, आपकी अपनी मर्जी है, अगर सीखना हो तो। बाकी कोई दिक्कत नहीं, आपको जो सही लगे करते रहिए, कोई दिक्कत नहीं है, हंसो खेलो मस्त रहो यार, आए हो तो कुछ करके जाओ। मैं कितनी बार बोला हूँ यार, मोटिवेट तो मैं कर नहीं रहा हूँ, मोटिवेट तुम लोग खुद हो। मैं संदीप महेश्वरी थोड़ी ना हूँ यार, उनकी जैसा बोल सकूँ। फिलहाल मेरा गला बैठा हुआ यार, क्योंकि एडजस्ट कर लेना, ब्लॉग मेरा ब्लॉग अब डेली आएगा, अगर मैं कहीं जाऊंगा तो आएगा। मैं सोच रहा हूँ मिनी ब्लॉग स्टार्ट करने के लिए, मिनी ब्लॉग मेरे को बहुत अच्छे लगते हैं, ऐसे ही शूट कर लो फिर उसके बाद एडिट करके वॉइस ओवर कर दो, बहुत अच्छा लगता है वो, सुनने में तो ज्यादा नीक लगता है यार, तो वो वाला स्टार्ट करूंगा। एक साथ मैं क्या क्या काम करना पड़ता है, यूट्यूब पे वीडियो बनाना आसान है, लेकिन उसके साथ में बहुत जो काम होते हैं ना, थंबनेल बनाना, एडिटिंग करना, फिर उसके बाद सोचना क्या बोलना है। हम मैं तो भाई विदाउट स्क्रिप्ट बोलता हूँ, ठीक है। और दूसरी चीज, जो सबसे बड़ी चीज मैं सिखाना चाहता हूँ, वो ये है कि आप लोग बोलना सीख जाओ कैमरे के सामने, बिल्कुल हेजिटेशन ना है तो मैं अंदर मैं बोल नहीं सकता। और YouTube पे आने के लिए ना, सबसे पहले आपको बेशरम बनना पड़ेगा कि लोग, समाज, फलाने ढमके क्या कहेंगे, तो इन लोगों को दूरी बनाओ और जो सही लगे करते रहो। ब्लॉग को पूरा देखा करो, चैनल को यार सब्सक्राइब कर लो, आपका तेलू ही लगाई तो मैं छुपा रहे करी हरामी हो बेटा, ऐसे न करवाओ यार, समझ रहो। वैसे भी